तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते भारत, मैं विवेक योगाचार्य आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। ईश्वर से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूँ। आज हम सीखेंगे सर्वांगासन कैसे करना चाहिए, इसको कौन कर सकता है, इसके क्या बेनिफिट हैं, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी तो हम कैसे सर्वांगासन करते हैं वो सीखेंगे। तो कमर के बल लेट जाएं, हथेलियाँ ज़मीन की तरफ, पैर के पंजे मिले हुए, टोज आगे की तरफ, बॉडी बिल्कुल सीधा और सांस भरते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाना है। सांस भरते जाएंगे और क्या करेंगे, जब टोज आपकी ऐसे आकाश की ओर स्ट्रेट आ जाए, हिप से बिल्कुल सीधा, अब क्या करना होगा, आपको पेट को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए पेट से जोर लगाना पड़ेगा ताकि आपके हिप्स उठ पाए। तो अपनी तरफ पेट को पुश करें और तब आपका हिप्स उठेगा। उसके बाद देखते जाए, ये सब कुछ सांस भरते हुए कर रहे हैं हम, और इसके बाद जब लगे कि ये पीछे जैसे हलासन में जाते हैं ऐसे पैर चले गए हैं, तो आपने क्या करना है, हाथों से जोर लगाना है, पुश करना है। पुश करते हुए हिप्स को और आगे की तरफ और ऊपर की तरफ, कंधों के जोर के साथ हमने बॉडी को ऊपर खींचना है। जस्ट राइट, स्विच, हाथ आपके ऐसे बने हुए आप अपनी कमर के ऊपर रख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे ध्यान से, और नीचे जितना शोल्डर की तरफ हाथों को लेके जाएंगे उतना ही आपकी अलाइनमेंट और सुंदर होती जाएगी। तो टो से लेकर कंधों तक आप एक सीधा लाइन में होने चाहिए, हिप्स आगे पीछे नहीं। इसको कहते हैं सर्वांगासन। सांस भरते हुए टोस को ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए बॉडी को मन ही मन अलाइन करें। देखें हम सही हैं कि नहीं, कहीं भी अगर लगता है बेंड है तो उस जगह को सीधा करते जाएं। 3 से 4 सांस, 5 सांस, जितना मन करे उतने रोक सकते हैं सांसों को, करते रहें, सांस लें और छोड़ें उतनी देर। और धीरे धीरे जब वापस आएंगे कैसे, हाथों का जोर यहीं लगा के रखें और धीरे से पहले पैर को जैसे हलासन में सर के पीछे ले जाते हुए, और जब लगे कि थोड़ा बहुत नीचे आ चुके हैं तो हाथों को ज़मीन पर रखेंगे, हथेलियाँ ज़मीन की तरफ, पुश बना के रखेंगे और धीरे धीरे बैकबोन की हड्डी को, एक एक हड्डी को धीरे धीरे टिकाते हुए और कमर पूरी ज़मीन पर, हिप्स, और धीरे से शरीर को जितना आराम से ला सकते हैं लाएंगे नीचे, विश्राम करें। तो ये हुआ सर्वांग आसन। अब मैं बताने जा रहा हूँ उन लोगों के लिए जो सर्वांग आसन बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है या मुश्किल होती है, तो वो कैसे करेंगे। तो उनके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आप फॉलो करके आप भी सर्वांगासन कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। तो क्या करने वाले हैं उसमें हम ध्यान से देखेंगे। दोनों पैरों को हील को हिप के पास लाएं पहले, फिर ऐसे पकड़ लें पैरों को, दूर पकड़ में आते हैं दूर पकड़ लें, पास आते हैं पास पकड़ लें, और जस्ट रोल इट, ऐसे रोल करेंगे। धीरे धीरे रोल करते करते हर बार अपने हिप्स को और ऊपर और ऊपर, इस तरीके का पुश जब मिलने लग जाए और आपकी पोजीशन कुछ ऐसी बन जाए कि हिप्स लगभग इतना ऊपर आ जाए जितने आपके स्टमक के बिल्कुल सीध में, ये अगर ऐसे आ जाता है तो क्या करना है, मैं स्लो करके दिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। स्लो में दिस, मैंने यहाँ पे पोजीशन पहुँची जैसे ही, तो आपने क्या करना है उसी समय पैरों को खोलना है और हाथों को ज़मीन पर लगा देना है, हाथों से पुश लेना है, हाथों से पुश लेना है, और बाकी काम जैसे हमने पहले बताया था, जब पुश लेके बॉडी का वेट इस तरफ आ जाए, आपके सर की तरफ आ जाए और आपके पैर उधर ना गिर रहे हो, तब आपने हाथों को उठाना है और हाथ हिप्स पर रख लें, चाहे तो ऐसे रख लें
चाहे ऐसे रख लें और फिर चाहे घुटने मोड़े, कोशिश करें ऊपर उठने की, पैरों को सीधा करें, उठते जाएं, ये पोजीशन आ जाए तो बहुत सुंदर है। उसके बाद हम इसको इम्प्रूव करते करते धीरे धीरे एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, ऐसे हाथों को कमर के और नीचे तक, शोल्डर के पास तक ऐसे करते जाएंगे। और ये कुछ ही हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद आप पाएंगे कि आपका सर्वंगासन लगने लगा। वापस आएंगे स्लो, धीरे ही वापस आना है। हाथों को थोड़ा ज़्यादा भी फैला सकते हैं, जो नए हैं हाथों को थोड़ा ज़्यादा दूर तक फैला लें, हथेलियाँ ज़मीन पर गड़ा के रखें और फिर धीरे से एक एक वर्टिब्रा ज़मीन पर टिकाते हुए बॉडी को नीचे लाएंगे। तो ये थी टेक्निक सर्वांगासन को कैसे परफॉर्म करें अगर बिल्कुल नहीं होता है तो। लेकिन याद रखें कि एक दिन में, दो दिन में नहीं होगा, कुछ हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन हाँ, हफ्तों के बाद भी लग भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप कर तो पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि कुछ एफर्ट डाल के थोड़ा दिन करने के बाद आप इसको कर पाएँ, ये जानना ज़रूरी था। तो ये जो टेक्निक है, अगर आप करेंगे धीरे धीरे तो आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि कब बॉडी का फ्लो हमने उधर फेंक दिया और कब हम अब पैरों को उधर रख सकते हैं और हाथों को अपने हिप्स पर ला सकते हैं। तो ये चीज़ जैसे आप करते जाएंगे आपको समझ में आती जाएगी और उसके बाद अपने आप ही बॉडी रिप्लाई करेगी कि हाँ, अब हम पैर उठा सकते हैं क्योंकि वज़न हाथों ने ले लिया है। तो धीरे धीरे पैर भी उठ जाएंगे, फिर खोल भी लेंगे सीधा और फिर जब अच्छा सा अलाइनमेंट होने लगेगा तो हम हाथों को पीछे लाते हुए, जैसे मैंने बोला, शोल्डर्स कमर से धीरे धीरे नीचे, शोल्डर की तरफ हाथों को जब नीचे जाएंगे तो हम ज़्यादा अलाइन कर पाएंगे बॉडी, टो से लेके शोल्डर तक एक सीधा अलाइन में हो जाएगी, वो कहलाता है सर्वांगासन। तो अगर ये आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं, वो भी सबसे ऊपर वाला, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर तो करना ही करना है, हो सकता है आपके शेयर से किसी का फ़ायदा हो जाए। तब तक के लिए नमस्कार।